हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सेकंड वीडियो है जिसमें भी हम आपके साथ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइंस को शेयर करेंगे जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है लैब। तो लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इंटू कर्ड। यानी कि लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल्क में ग्रो करते हैं एंड मिल्क को कर्ड यानी कि दही में कन्वर्ट कर देते हैं। सीरियोज, तो सीरियोज आर फर्स्ट मैमल्स, देयर फोसिल्स आर स्मॉल साइज। तो सीरियोज फर्स्ट मैमल्स थे जिनके फोसिल्स स्मॉल साइज के होते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरोहिया एक टर्म है, इसका मीन्स होता है अबसेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड ये कुछ फुल फॉर्म्स है जैसे ZIFT, जिफ्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एंड GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। LH सर्ज, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। तो ये आपको पढ़ भी लेना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पोरोपोलिनिन, तो स्पोरोपोलिनिन आउटर एक्साइन पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स। यानी कि स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन के एक्साइन पार्ट में पाया जाता है एंड ये एक्सट्रीम रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंट कंडीशन। यानी कि इस पे एनवायरमेंट कंडीशन जैसे कि एसिडिक नेचर, एल्कलाइन नेचर, इन सभी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे फोसिल्स के रूप में प्रिजर्व किया जाता है। ट्रू फूड्स, तो ट्रू फूड्स वे होते हैं जो कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, यानी कि ओवरी से फ्रूट डेवलप होते हैं तो उसे ट्रू फूड्स कहते हैं। एंड फॉल्स फूड्स, फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस। इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैसियो, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं।